नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा और आज हम बात करेंगे नवरात्रों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम अपने घर पर जो हम कर देते हैं, जिसका हमें खामियाजा चुकाना पड़ता है, जिसको हमें हमारा जो पूजा पाठ का जो भी तरीका होता है वो हमें नुकसान देता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हमें जानकारी नहीं होती कि हम क्या नवरात्रों में ना करें। ये सभी लोगों को जानकारी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हम नवरात्रों में नॉर्मल तरीके से भी यदि आप पूजा करते हैं और नॉर्मल तरीके से भी रखते हैं, बशर्ते आप कोई हवन अनुष्ठान नहीं करते हैं या कुछ बड़ा काम ऐसा नहीं करते हैं, तब भी आप अपने घर पर भी नॉर्मल तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उनमें कैसे आप सावधानी बरत सकते हैं। यदि माँ के नवरात्रे आए हैं तो उनमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि आप इन नवरात्रों में कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, उसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जो हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो आप वो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। मुझे आप इस चैनल के अलावा भी देख सकते हैं, पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, यदि किसी भी रत्न की जानकारी आपको चाहिए, कोई भी रत्न मंगवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं। तो नवरात्रों में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानते हैं जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जो लोग शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, इसके अलावा जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये नवरात्रे बहुत ही बेस्ट टाइम होता है माँ की आराधना करने का। यदि आप इन पूरे नवरात्रों में यदि यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ना, तो आपको विशेषकर लाभ होता है, विशेषकर वो शक्ति प्राप्त होती है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, जल्दी से किसी का किया हुआ आपको लगता नहीं है, जल्दी से आप किसी के भी ग्रह खराब हैं तो बहुत जल्दी आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करते यदि आपने अपना ऑरा स्ट्रांग करके रखा हुआ है। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करती, अकाल मृत्यु कभी आपकी नहीं होती, कोई भी विपता कोई भी संकट आप पे आ रहा हो तो वो भी छल पल में दूर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं नवरात्रों में प्रिकॉशंस लेने के, नवरात्रों में विधि विधान के साथ रहने के। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी इन नवरात्रों में धूम्रपान, शराब, मीट ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सात्विक वैष्णो माता के नवरात्रे होते हैं, इसमें आपको सात्विक ही रहना चाहिए, आपको मीट मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए, आपको इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि आप घर में माता की पूजा करते हैं और साथ ही साथ आपके घर में शराब का सेवन किया जा रहा है, धूम्रपान किया जा रहा है और आप मीट मांस का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। यदि आप आगमन करते हैं माँ वैष्णो देवी का, वैष्णो माँ की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, तो आप अपनी रसोई को पवित्र रखिए, क्योंकि भगवान का वास हमारी रसोई में ही होता है। आप प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल ना कीजिए इन नवरात्रे, तो देखिए माँ कैसे खुश होती है, क्योंकि नवरात्रे ही वैष्णो माता के हैं, ये हमें वैष्णो ही रहना पड़ेगा, हमें सात्विक ही रहना पड़ेगा। और यदि आप कोई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप माँ को मनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, किस्मत बदलना चाहते हैं ना, तो भी आप सात्विक रहिए और पूजा पाठ से और इन चीज़ों से आप अपनी लाइफ को बदलिए। किस्मत जो है, जो ग्रह हैं, जो हमारे साथ चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं, यकीनन बदल सकते हैं। तो ये आप चीज़ें करें। अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, कटिंग जैसे अपने बालों की हो गई, अपनी नेल्स हो गई, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये माना जाता है कि आपको अपने बाल, नाखून, ये सब चीज़ें इन 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए। आपको अपना मुख्य दरवाज़ा साफ रखना चाहिए और अपने मुख्य दरवाजे को पहले दिन आप यदि गणेश जी और हल्दी लगाते हैं, कुमकुम, तो बहुत शुभ होता है, वो आपको करना चाहिए। आपको अपना मेन दरवाज़ा गंदा नहीं करना चाहिए और आपको बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी माता का अपमान इन 9 दिनों में नहीं करना चाहिए, जो कि बड़ा महा अपराध माना जाता है। आपको अपनी माँ का अपराध यदि आप करते हैं तो आपको बहुत सारे दोष लग जाते हैं, तो इसीलिए इन 9 दिनों में आप अपनी माँ का अपमान ना करें। सुबह पूजा होती है,
सुबह पूजा करते हैं, साथ ही साथ आपको शाम को भी पूजा करनी चाहिए। जो चौकी, जो पूजन स्थल आपने बनाया है, आप नियमित शाम को भी पूजा करें। इस बीच बाहर किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप पूजा कर रहे हैं माता रानी की, तो आप कोशिश करिए कि आप किसी के घर का खाना, किसी के घर का भोजन ना खाएं। साथ ही साथ आप ना तो किसी के घर का भोजन खाएं, ना ही फटे पुराने कपड़े पहने। कोशिश करिए कि आप कॉटन के, चाहे आप पूजा के कपड़े अलग रख लीजिए, या आप फटे पुराने एटलीस्ट कपड़े ना पहनकर पूजा करें। क्योंकि आप माता के सामने सिंपल कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन फटे पुराने ना पहनिए। और काले कपड़े ना पहन के पूजा कीजिए। काले कपड़े यदि आप पहन के पूजा करते हैं, तो माता का जो माना जाता है कि पूजा का फल आपको उतना नहीं मिल पाएगा। काली माता की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन माता वैष्णो की पूजा आप काले कपड़े पहन के ना करिए। लाल आसन पर बैठकर ही आप माता की पूजा कीजिए, और ये शुभ माना जाता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इन नवरात्रों में यदि आप सबकी सेवा करते हैं और शांत स्वभाव रखते हैं, और आप यदि सात्विक भोजन करते हैं और अन्न का त्याग कर देते हैं, तो अति उत्तम होता है। यदि आप नहीं कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, आप फल आहार कर लीजिए, या जो भी खाना खा सकते हैं वैसा खाइए। कोशिश करिए कि आप एक टाइम खाना खाएं। जितना आप यदि तीन टाइम खाते हैं, तो आप एक टाइम खाना खाइए। इससे भी आपका तप बढ़ता है। कितने गुना आपका तप बढ़ जाता है, यदि सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आप किसी जानवर को परेशान कर रहे हैं इन नवरात्रों में, दुख दे रहे हैं, मार रहे हैं या पीट रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। जानवरों पे किया गया अत्याचार भी इन नवरात्रों में आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप माँ की आराधना करते हैं, अशुद्ध अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको इसका पाप लगता है। कहते हैं साफ कपड़े पहन के, स्वच्छ कपड़े पहनकर ही माता का आगमन करना चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में माँ का पूजन नहीं करना चाहिए। माँ को पूजन करने के बाद यदि माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर पे चौकी लगाई है, माँ वैष्णो की नवरात्रे चल रहे हैं और आप घर पे ही नहीं हो, आप घर छोड़ के चले गए। यदि आपकी कोई जॉब है, आपको कुछ इस तरीके की परेशानी है, तो समझा जा सकता है। लेकिन माँ को अकेला नहीं छोड़ा जाता। उस सूरत में आप किसी और को ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो माता का नियमित पूजा करें, माता के पास रहें, लेकिन माँ को अकेला नहीं छोड़ा जाता कि 9 दिन आपने पूजा की और ताला मारकर आप कहीं और चले गए। ऐसा काम आपको नहीं करना। यदि आप सेवा नहीं कर सकते, तो किसी और को आपके बदले, यदि आपको ज़रूरी है जाना कहीं, तो आप किसी और के बदले वो घर की लगा सकते हैं कि वो घर का पूजन कर ले, माता का पूजन कर ले। नवरात्रों में स्त्रियों का विशेष सम्मान करें, आपको विशेष विशेष लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, परंतु ये बहुत बड़ी बन जाती हैं यदि हम इनका पालन नहीं करते। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इनको आप ना करिए और अपने नवरात्रों को शुभ बनाइए, और अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए, अपनी जीवन को जो चाहते हैं वो पाइए, और ये छोटे छोटे चीज़ों की सावधानियाँ बढ़ते, तो इनका उपाय आप कीजिए और फल उठाइए और खुश रहिए। और जो आपको चाहिए, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आपको वो सब कुछ मिले। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।